So in previous video we have studied about the factor theorem, reminder theorem, and how to factorize the polynomials, quadratic polynomial ko humne factorize karna sikha tha by middle term splitting method. Now today's topic is algebraic identities, and so many identity you have already learned in class 8. Okay, class 8 mein bhi hamare do chapters the algebraic identities and factorization. तो वो दोनों के मिक्स फैशन आपको यहाँ पर मिलेंगे और कुछ न्यू आइडेंटिटीज भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ओके, तो पहले मैं क्विक रिकेप बता देती हूँ कि हमने लास्ट ईयर क्या क्या आइडेंटिटीज पढ़ी थी. वो सारी आइडेंटिटीज वापस से आपको इस चैप्टर में मिलेंगी. सो वी हैव लर्न अबाउट दिस ए प्लस बी होल स्क्वायर. ओके, व्हाट इज द आइडेंटिटी? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. एंड सिमिलरली a minus b whole square, that is a square minus 2ab plus b square, and a plus b, a minus b, that is equals to a square minus b square, and the last one x plus a, x plus b, that is equals to x square plus a plus b x plus a b. Now this four identities जो हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक्सपांड करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है या फैक्टराइज करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है. अब एक्सपांड करने के लिए क्वेश्चन कैसे आएगा? मतलब हमें इस फॉर्मेट में दिया होगा क्वेश्चन, हमें इस फॉर्मेट में लिखना होगा. एंड फैक्टराइज करने में कैसा क्वेश्चन होगा? हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होगा और हमें होल स्क्वायर या ऐसे फैक्टराइज में क्या होता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है, तो हमें इस फॉर्मेट में आंसर लिखना होगा. इज इट ओके? तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.5 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वो सारी यही आइडेंटिटीज पर रिलेट कर रहा है. कुछ पार्ट्स मैं आपको करके बताती हूँ, बाकी आपसे हो जाएगी क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा. सो आई एम टेकिंग दिस एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज दिस? नाउ इन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू यूज सूटेबल आइडेंटिटीज, है ना, और एक्सपांड करना है आपको. 2.5 question number 4, I am taking second part, x plus 8 and x plus x minus 10. अब normally students इसमें mistake करते हैं. क्या mistake होती है वो देखो. सबसे पहले तो हम ये check करें कि which identity we have to use here. तो simply जो मैंने अभी last identity लिखी थी ना, क्या थी हमारी? x plus a, x plus b, that is equals to x square a plus b x plus a. Now compare all the terms here. कैसे compare करें? देखो x and x. Here both x must be same. तो हमारे पास भी यहाँ पर same आ रहे हैं. इधर भी x है, इधर भी x है. तो x की जगह तो मेरे पास यहाँ पर भी x ही चल रहा है. Then plus a. So अगर हम first bracket में देखें तो a की value क्या होगी हमारे पास? A is 8 here and x plus b in the second bracket. और यहाँ हम देखें तो क्या आ रहा है? x minus 10. Is it clear? तो यहाँ plus में है, यहाँ minus में है. That means हमारी b वाली जो term है वो क्या लेनी है हमें? Minus 10. तो हर question का आप ऐसे side में लिख दो कि आपके पास जो identity आप use कर रहे हो उससे compare करके हमारे पास क्या terms आ रहे हैं. ठीक है? अब देखो हम यहाँ पर हर एक question, जैसे कुछ student ऐसे हर एक के लिए identity याद करते हैं कि x plus a x minus b की आइडेंटिटी ये है या x minus a x minus b की आइडेंटिटी, तो वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है. आप हर एक की आइडेंटिटी याद नहीं कर सकते और मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो लर्न दिस आइडेंटिटी ओनली. बस इसमें हम क्या है, a b की जो वैल्यूज है वो चेंज कर दें. तो देखो क्या है, सिंपली राइट अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेंशन क्या आ रहा है. देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो जस्ट राइट हियर एक्स हमारे पास क्या था? एक्स ही था, एक्स स्क्वायर भी आएगा. देन हियर इट इज प्लस राइट प्लस, देन देयर इज अ ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? a प्लस b. सो व्हाट इज a हियर? हमारा a क्या है? 8 प्लस b क्या है? माइनस 10. तो यहाँ पे मैं दो सिंबल साथ में नहीं लिख सकती, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस 10 भी क्या लिख रही हूँ? ब्रैकेट में लिख रही हूँ. इज दैट क्लियर? अब देखो ब्रैकेट के बाद क्या लिखा हुआ है? x, हमारा x यहाँ पर x ही है, जस्ट राइट x हियर. एंड लास्ट में प्लस ए बी, सो इट इज प्लस एंड ए इज 8 एंड बी इज माइनस 10. तो अगर एग्जैक्टली इस तरह से आप कॉपी कर दोगे, जस्ट हमारी जो वैल्यूज है एक्स ए और बी की, उसको रिप्लेस
रिप्लेस करते जाओ आपके पास इजीली इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा. नाउ क्या है, इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें. दिस इज एक्स स्क्वायर, हियर इट इज 8 - 10 एंड दिस एक्स इज हियर, और यहाँ पे इनटू में चल रहा है ना, a into b, that is here also this is a into minus 10, 8 into minus 10 is minus 18. और ऐसे ही हम बीच का जो ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, x square, this 8 minus 10 is minus 2, minus 2 and this x, तो आपके पास आ गया x square minus 2x minus 8. Is that clear? तो ये आपके पास आइडेंटिटी की फॉर्म में था और इन्हें एक्सपांड फॉर्म में. तो सिंपली हर क्वेश्चन में अगर आप इस फॉर्मेट से चलोगे आपके पास इजीली आंसर है. देखो ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं इसी का. ये सपोज यू हैव दिस फिफ्थ पार्ट, इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखिए. अगर हम इन फिफ्थ पार्ट यू हैव 3 - 2x एंड लेट्स टेक फॉर थर्ड पार्ट, फिर हम फिफ्थ पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट में देखो आप 3x + 4 एंड 3x - 5. ठीक है, अब देखो हमारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम चेक करें, द आइडेंटिटी इज x + a x + b एंड दैट इज इक्वल्स टू x² + a + bx एंड प्लस a. तो जैसा मैंने अभी कहा कि आप साइड में या फिर रफ पार्ट पे आप लिख लो कि आपका x क्या है, a क्या है और b क्या है. ओके, सो हियर माय x इज 3x. देखो यहां पे भी 3x है, यहां पर भी 3x है, यानी कि x की जगह मुझे क्या लिखना है, हर जगह 3x रिप्लेस करना है. एंड a इज 4 एंड b इज -5. क्लियर? अब देखो इसी के अकॉर्डिंग अब आइडेंटिटी में सेट करते जाओ. क्या है सबसे फर्स्ट, x² लेकिन मेरा x क्या है यहाँ पर 3x, सो यू हैव टू राइट 3x² और दो वैल्यूज टर्म्स है इसमें, तो आप इसमें होल स्क्वायर लिखो. देन वी हैव प्लस हियर, देन यू हैव ब्रैकेट हियर, तो ब्रैकेट में क्या लिखना है मुझे, a प्लस b, सो आई एम राइटिंग 4 - 5. 4 + -5 इज 4 - 5, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया और आप लिख सकते हो 9th क्लास में, इतना आपको समझ में आ जाता है. नाउ अगेन हियर इट इज x, तो यहां पर x क्या है हमारा 3x. आई एम नॉट टू राइट दिस सिंपली x, मेरा x यहां पर क्या है दिस 3x, so I have to write 3x here, then plus is here, and a is 4, and b is -5. Now solve this, simplify form में लिखें, तो देखो 3x² मतलब 3 का भी square है, और x का भी square है, so it is 9x² plus minus is minus, so this is -1 × 3x, and here it is -20. तो overall क्या हो गया solve होने पर, 9x² plus minus minus, and 1 × 3x is -3x, minus. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कन्वे करना चाह रही हूँ, कि जस्ट राइट बाय कंपैरिजन कि x a और b क्या है, और उसी तरह से आप वैल्यूज आप अपनी आइडेंटिटी में पुट अप कर दो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर. अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर सी गई फिफ्थ पार्ट देखिए, तो आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि हमें कौन सी आइडेंटिटी पुट अप करनी है. ओके, सो इन फिफ्थ पार्ट यू हैव 3 - 2x एंड 3 + 2x. Yeah? तो देखो यहां पर हम जो हमारी आइडेंटिटी थी a प्लस b a माइनस, इसी तरीके का कुछ दिख रहा है कि बोथ a, दैट मींस हियर इट इज 3, हियर इट इज 3, तो a सेम है, हियर इट इज b, हियर इट इज b, b भी सेम है हमारे पास 2x 2x, लेकिन एक प्लस में आना चाहिए माइनस में आना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ ये प्लस में यहाँ माइनस, आगे पीछे है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है, हम इसको आगे लेके इसको पीछे लेके कोई फर्क नहीं. तो इसकी आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, सिंपली a² - b² द सिंपलेस्ट वन जो अधिकतर स्टूडेंट्स को याद रहे. तो यहां पर देखो हम कंपेयर करके लिखें, व्हाट इज a हियर, माय माय a इज 3 हियर एंड b इज, अब देखो b क्या है, मैं सिंबल नहीं देखना था, b इज द वैल्यू जो आपके पास पीछे सेम आ रही, तो यहां पे भी 2x है, यहां पर भी 2x है, सो b की जगह मुझे क्या लिखना है 2x. नाउ अप्लाई योर आइडेंटिटी, क्या आ जाएगी आपकी आइडेंटिटी, दिस a स्क्वायर दैट मींस माय a इज 3, सो 3² देन देयर इज अ माइनस इन द आइडेंटिटी, पुट दैट माइनस एंड दैट b स्क्वायर, b मेरा क्या है b यहां पर 2x, सो यू हैव टू राइट 2x का होल स्क्वायर. नाउ सिंपलीफाई
form में लिखे हम 3x² 9 - 4x² is that clear? तो इसी तरह से हम किसी भी आइडेंटिटी को जब भी मैच करेंगे आप कंपेयर करके लिखो और आइडेंटिटी अप्लाई करो आप जाएंगे आपके पास is that clear? Now आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आप खुद करोगे है ना, क्योंकि हमने क्लास 8 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं जैसे कि आपके पास 103 × 107 है तो जस्ट ब्रेक दिस एज 100 + 3 100 + 7 एंड अप्लाई द आइडेंटिटीज जो भी इसमें सेट हो ठीक है, तो ये मैं आपको नहीं लगा रही. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज अ फैक्टराइज. तो ये भी हमने फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था लास्ट ईयर और जैसा अभी मैंने कहा कि अब हमें एक्सपांडेड फॉर्म में दे रखा होगा और हमें होल स्क्वायर या a + b a - b उस टाइप के किसी फॉर्मेट में लेकर आना है. तो दिस क्वेश्चन नंबर 3 आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट पार्ट 9x² + 6xy + y². अब यहाँ पर भी वही है कि आप फर्स्ट जो भी क्वेश्चन है उससे उसको देखकर पहले रिलेट करो कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर आपके पास सेट हो सकती है. ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर देखें हम तो ये 9x² मतलब 9 इज द होल स्क्वायर ओके ऑफ 3 का स्क्वायर बनता है हमारे पास और यहाँ पे y का स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है यानी कि मैं यहाँ पर इस पे a स्क्वायर और b स्क्वायर फॉर्मेट में कुछ लिख सकती हूँ और बीच में ये 2ab जैसा फॉर्मेट बनेगा. तो सिंपली अगर हम यहाँ पे लिखें कि दिस विल बी 3x होल स्क्वायर और ये y का स्क्वायर, तो देखो हमारे पास a स्क्वायर आ गया b स्क्वायर आ गया और बीच में क्या होता है हमारे पास 2ab. तो यहाँ पर देखो आप कंपेयर करके एक बार लिख दो कि a क्या है मेरा 3x और b क्या है मेरा y. अब जो ये 2ab मुझे यहाँ सेट करना है उसको कैसे लिखेंगे, देखो 2 ऑलरेडी होता है आपके पास आइडेंटिटी में राइट 2 हियर इनटू a, a इज 3x जो हमने ये फर्स्ट और लास्ट जो वैल्यूज दी है टर्म्स दी है उससे कंपेयर करके निकाला एंड b इज y. ठीक है, तो देखो आप इसको प्रोडक्ट करके भी देखो 3 × 2 = 6x + y, 6xy आपके पास आ जाए. तो सिंपली इसको ब्रेक करके कैसे लिखना है वो हम यहां से रिलेट कर सकते हैं. अब इस पूरे एक्सपांडेड फॉर्म का आइडेंटिटी फॉर्म क्या है, a प्लस b होल स्क्वायर. सो यू हैव टू राइट हियर कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट मींस इट इज a स्क्वायर बट माय a इज 3x सो दैट इज 3x प्लस b b इज y एंड इट्स होल स्क्वायर. क्लियर, और होल स्क्वायर है इसलिए हम चाहे तो इसे दो ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं है ना, जैसे 5² = 5 × 5 जस्ट लाइक रिजल्ट इज. तो ये आपके पास प्रोडक्ट में आ गए दैट मींस कि हमारा क्या हो गया फैक्टराइजेशन हो गया. तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए जो रिमेनिंग पार्ट से वो भी आप इसी तरह से रिलेट करोगे. नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट आइडेंटिटीज जो हम क्लास 9 में पढ़े ओके, ये सारी हमने 8 में पढ़ी थी. अब जो नई आइडेंटिटीज है वो क्या है देखो, नाउ द न्यू आइडेंटिटी इज a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर है ना. पहले हमने सिर्फ दो टर्म्स में पढ़ा था a प्लस b होल स्क्वायर, अब क्या है हमारे पास 3 टर्म्स है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर. व्हाट इज द आइडेंटिटी, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2ab देन 2bc एंड देन 2ca. दैट मींस हम 2 के साथ ये रोटेशन फॉर्म में ए बी बी सी और सी ए प्लस करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ओके, तो ये आइडेंटिटी बहुत ही इजीली स्टूडेंट्स को याद रहती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसमें जो हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 उसको मैं करके बताती हूँ. एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट What is this? x + 2y + 4z and its whole square. ठीक है? अभी तो सिंपली हमें पता चल रहा है कि ये ऊपर वाली जो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी वही इसमें यूज में आ रही थी क्योंकि यहाँ पर भी ये 3 टर्म्स हैं और फिर होल स्क्वायर. ठीक है? तो जैसा मैंने अभी आपको आगे के क्वेश्चंस में बताया कि आप कंपेयर करके लिख लो कि आपका a क्या है b क्या है और c क्या है. ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर a क्या चल रहा है, इज x, b इज 2y एंड c इज 4z. अब बस आइडेंटिटी बोलते जाओ और अपनी जो वैल्यूज है एबीसी की वो पुट अप करते जाओ. क्या है
my x square plus b square, that means 2y square, and c square, that is my c is 4z whole square. Okay, फिर क्या आता है 2ab, that is 2 a is x, b is 2y, plus 2bc, so 2b is 2y and c is 4z. ये मैं बताती हूँ आप इतने कि our a is x, b is 2y and c is 4z. So here it is 2bc, then plus 2ca, c is 4z and a is x. ये देखो आपके पास यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 टर्म्स हैं और हमारे पास भी यहाँ पर ये 6 टर्म्स क्रिएट हो जाएंगे. कैसे हो रहे हैं? इसको और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखो. तो दिस इज x स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4, y का भी स्क्वायर है इसलिए y स्क्वायर. हियर आल्सो 4 स्क्वायर इज 16 एंड z स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर नंबर्स देखे तो 2 इंटू 2 4 एंड वेरिएबल आर x इंटू y, सो इट इज 4xy प्लस 2 2s आर 4 एंड 4 4s आर 16 एंड दिस y एंड z, सो 16yz. एंड सिमिलरली हियर आल्सो 4 2 4s आर 8 एंड z x. तो ये आपके पास सारी 6 टर्म्स आ गई और ये आपका पूरा एक्सपांड हो z क्लियर. सो इट इज वेरी इजी आइडेंटिटी, नॉर्मली स्टूडेंट्स को याद रहती है बहुत अच्छे से. अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करके आपको दूसरे सारे पार्ट्स दे रखे हैं. क्या चेंजेस करे हैं देखो इसी का, कि अगर हमारे पास यहाँ पर एबीसी में कोई भी वैल्यू आपके पास नेगेटिव फॉर्म में दी है तो क्या करना है. जैसे सपोज आई एम टेकिंग दिस सेकंड पार्ट, हियर इट इज 2x माइनस y प्लस z होल स्क्वायर. तो सिंपली हम जब कंपेयर करेंगे तो ये माइनस का भी ध्यान रखेंगे. ओके, सो नाउ what is a here? This 2x. What is b here? It's not only y, it's minus y. क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में सारे प्लस चल रहे थे तो b को हम क्या लेंगे? माइनस y. And c is only z. क्लियर? सेम वे में हम पुट अप करें. So we have a square, that is our a is 2x. So 2x square. Then it is plus, mark plus. And b square, b क्या है हमारे पास माइनस y, तो माइनस y का स्क्वायर आप लोगे. देन c square, that is z square. फिर क्या था हमारे पास प्लस 2ab, a is my 2x and b is माइनस y. ठीक है, देन प्लस 2bc, so 2b is माइनस y and c is my z, and प्लस 2ca, so 2c is z and a is. अगर माइनस को ढंग से सॉल्व करके और आप इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखो तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर. अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस, एंड प्लस प्लस इज प्लस, सो इट इज प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. अब यहाँ पे देखें हम, देखो प्लस एंड दिस माइनस y, सो प्लस माइनस इज माइनस, 2 2s आर 4 एंड दिस x एंड y, तो x स्क्वायर. सेम वे प्लस माइनस इज माइनस एंड 2y z. यहाँ पे भी हमारे पास आ गया 4z, सिंपली आपका एक्सपेंशन हो गया. अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है, हमारे पास माइनस कहीं पे भी आ रहा है, ये जो स्टार्टिंग की तीन टर्म्स मिलेगी आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट आर ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म. क्योंकि होल स्क्वायर करते तो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस की फॉर्म में आ जाएगा. तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज आपके पास प्लस में होगी और पीछे आपके पास कहीं ना कहीं दो जगह माइनस आपको मिल रहा होगा. इज इट क्लियर? इसके रिमेनिंग टर्म्स आप करोगे और इसी के अपोजिट हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है. अभी हमें इस फॉर्म में दिया था तो हमने एक्सपांड किया. नाउ अब हमें इस फॉर्म में दिया है तो हमें इस फॉर्म में लिखना है, मतलब फैक्टराइज करना है. तो लेट्स चेक कैसे करना होगी. क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट आपको देखो ये एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है, इसे हमें फैक्टराइज करना है. तो सिंपली देख कर ही पता चल रहा है कि 6 टर्म्स का क्वेश्चन है, सबका स्क्वायर स्क्वायर आपको मिल रहा है, तो एक बार आपको माइनस का को जाना चाहिए कि हमें कौन सी आइडेंटिटीज पे अप्लाई करेंगे. तो सिंपली a plus b plus c होल स्क्वायर इज a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus c स्क्वायर plus 2ab plus 2bc plus 2ca. बट जब आप क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास कहीं माइनस तो नहीं आ रहा है. लेट्स चेक, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लास्ट टू टर्म्स नेगेटिव है, दैट मींस हमारे पास कहीं ना कहीं कोई टर्म्स में माइनस हो सकता है. ओके, आइदर यहाँ हो या फिर यहाँ हो सकता है माइनस,
या फिर स्टार्टिंग में हो सकता है आपके पास बाकी प्लस आए, ओके। वैसे कहीं ना कहीं आपके पास एक टर्म ए बी सी में से कोई नेगेटिव फॉर्म में होगी, तभी आपके पास यहाँ पर भी माइनस आ रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा कि कहाँ नेगेटिव आएगा? बट बिफोर दैट पहले हम चेक करें कि हमारा ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो देखो वो कैसे पता चलेगा, जो स्टार्टिंग के होल स्क्वायर वाली टर्म से उसी की अकॉर्डिंग आपके पास ए बी सी मिल जाएंगे। सो देखो अगर 4x स्क्वायर है दैट मींस इसका स्क्वायर बनता है 2x का होल स्क्वायर एंड हियर इट इज 9y स्क्वायर। तो 9 हमें पता है कि 3 का स्क्वायर बनता है, तो 3y का होल स्क्वायर एंड हियर इट इज 4z स्क्वायर, क्योंकि ये 16 है तो 4z का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास कंपेयर करके क्या आ गया, a 2x है, b 3y है और c हमारे पास 4z है। बट जैसा मैंने अभी कहा कि कोई ना कोई एक टर्म्स में से एबीसी में से नेगेटिव होगी, अब वो कौन सी होगी वो कैसे पता चलेगा? अभी मैं ध्यान से देखो आपके पास जो दोनों नेगेटिव वाली टर्म है उसमें आप चेक करो कि कौन सा वेरिएबल दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर yz है या zx, कौन सा कॉमन है? z वाला कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों में z आ रहा है। तो जस्ट ये एक ट्रिक की तरह समझो कि z वाली जो टर्म है हमारे पास उसको हम नेगेटिव लेंगे। z क्लियर? यहाँ पे भी हमारे पास जो zc हमने जो कंपेयर करके लिखा उसमें -4z लिखा, दैट इज जहाँ पे भी अब आगे भी एक्सपेंशन में c आएगा वहां पर हम क्या लेंगे -4z। वापस से बता दूं क्या बोला मैंने कि माइनस कहाँ लगेगा, जहाँ पे भी आपको कॉमन वेरिएबल दिख रहा है नेगेटिव वाली टर्म्स में, है ना। ये भी नेगेटिव, इन टर्म्स में दोनों जगह z है, यानी कि z वाली जो टर्म है मेरी वो नेगेटिव में चलेगी, क्लियर। अब देखो आगे क्या होगा, हमारे पास +2ab, सो इट इज प्लस 2a is 2x and b is 3y. Then again plus 2bc. So 2b is 3y and c is -4z. Then again plus 2ca. So c is -4z and a is 2x. तो ये जो पूरा फॉर्मेट आप क्वेश्चन का था उसको हमने सही से अरेंज कर दिया हमारी आइडेंटिटी। अब हम देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये किसकी आइडेंटिटी थी? a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर की। दैट मींस इस पूरे एक्सपांडेड फॉर्म से मुझे ये स्मॉल पार्ट लिखना है, ओके। तो हमारे पास ये पूरा एक्सपांडेड फॉर्म आया, सिंपली क्या लिखना है मुझे कि a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। सो वी हैव हियर a इज 2x प्लस b इज 3y प्लस -4z और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्लियर। और इसको अगर सही से लिखते हैं हम तो ये आ जाएगा आपके पास 2x + 3y -4z का होल स्क्वायर, ठीक है। और फैक्टराइज में जैसे हमने अभी कहा था कि दो बार लिख सकते हो आप इसको 2x + 3y -4z एंड अनदर अगेन सेम ब्रैकेट एज इट इज रिपीट कर दो आप कि 2x + 3y -4z, ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट है, क्लियर। अब देखो एक ट्रिक समझो कि बिना कुछ लिखे हम कैसे अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो सिंपली हम यहाँ पर अगर ऑरल एमसीक्यू फॉर्मेट में ऐसे कहीं आता है तो आप सिंपली 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हैं? देखो हमें पता है कि होल स्क्वायर का कोई ना कोई क्वेश्चन बन रहा है, ए क्या है 4x² यानी कि 2x मेरा x ए होगा, 9y² यानी कि 3y मेरा बी होगा और 16z² मतलब 4z मेरा सी। अब बात सिर्फ होती है हमारी माइनस, जैसे मैंने अभी सिखाया आपको कि माइनस कहाँ लगेगा, जहां पर कॉमन वेरिएबल चल रहा है नेगेटिव वाली टर्म से, जेड वाली टर्म है, जेड के आगे माइनस की तरफ कर लो, ठीक है। आपके पास इजीली 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आता है एमसीक्यू फॉर्मेट में तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलर वे हम इसका सेकेंड पार्ट देखें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। क्या कॉम्प्लिकेशन है इसमें वो देखो कि यहाँ पर 2 है हमारे पास, यहाँ 1y² देयर इज 8z², तो कहीं पे भी जैसे हमारे पास 4, 9, 16 हो रहा था वो परफेक्ट होल स्क्वायर फॉर्म में थे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देन व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है, देखो 2 है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, लेकिन हम इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। कैसे? यू नो दैट √2 × √2 = 2, तो 2 को हम क्या लिखेंगे, √2² लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 टू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर 8 देखे हम तो 8 क्या होगा आपके पास, 4 × 2 = 8,
देखिए 4 को तो हम इजीली होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर होता है 2 का, और रूट 2 को अभी हमने कैसे लिखा, रूट 2 का स्क्वायर, तो इस 2 की जगह अगर मैं रूट 2 प्लेस कर दूं तो ये मेरे पास 2 रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? इसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर अरेंज करना है। कैसे करें हम कि 2 की जगह लिख दिया मैंने रूट 2 और x है आपके पास प्लस y स्क्वायर, 8 की जगह मैं क्या प्लेस करूंगी 2 रूट 2 एंड z ऑलरेडी था उसका स्क्वायर, तो ये मेरे a b c आ गए आपके पास टर्म्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, बट यहां पर भी हम देखें तो वी हैव माइनस हियर इन टू टर्म्स, तो आप खुद चेक करो कि माइनस के अकॉर्डिंग मेरे पास किस में नेगेटिव आना चाहिए, a में b में या c में। तो सबसे पहले आप लिख दें कि a क्या चल रहा मेरा, a इज रूट 2x, b इज y एंड c इज 2 रूट 2 z, लेकिन एक टर्म नेगेटिव है, कौन सी देखें हम यहाँ पर, ये फर्स्ट सॉरी माइनस टू रूट टू एक्स वाई एंड माइनस एक्स जेड, इन दोनों में से देखो आप कॉमन वेरिएबल क्या देख रहे हैं, एक्स, यानी कि जहां एक्स आ रहा है उस वाली टर्म का नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूंगी इसको नेगेटिव में, ठीक है। अब आगे जैसे आपकी आइडेंटिटी उस तरह से आप लिखते जाओ कि प्लस टू ए बी, ए इज माइनस रूट टू एक्स एंड बी इज वाई, देन प्लस टू बी सी is y and c is 2 root 2z, then plus 2ca, 2c is 2 root 2z and a is minus root 2x. तो सिंपली ये बीच में हमें स्टेप सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए लिखनी है, इसके नेक्स्ट स्टेप आपका एक आंसर भी बन जाएगी। क्या बताया मैंने, होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर, a b c, a is क्या है minus root 2x, b क्या है हमारे पास y, सी क्या है 2 रूट 2, ये आपके पास सिंपली आंसर है। क्लियर? तो ये जो बीच की स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का है, यानी 1 मार्क्स एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर गेस कर सकते हैं कि क्या है। क्लियर? एक और चीज है, यहां पर आपके पास रूट 2x माइनस y माइनस 2 रूट 2 z होल स्क्वायर, दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, अगर ये नहीं दिया ये भी दिया जा सकता है। क्यों, कैसे पता चल रहा है, एक्चुअली अगर इस पूरे टर्म में से हम माइनस कॉमन निकालें, है ना, आपको यही तक करना है, अगर सपोज आपको एमसीक्यू में इस तरह से दिया है तो क्या है, देखो अगर हम माइनस कॉमन निकाले तो हर टर्म में से माइनस कॉमन निकलेगा यानी कि साइन चेंज होगा, सो यू हैव दिस रूट टू एक्स माइनस वाई माइनस टू रूट टू जेड एंड दिस होल स्क्वायर। अब ये माइनस का भी होल स्क्वायर चलेगा और ये अंदर वाले ब्रैकेट का भी होल स्क्वायर चलेगा, लेकिन माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो हमारे पास ये ब्रैकेट ही रिमेनिंग है, तो आपको इस फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, बोथ आर राइट, इज इट ओके। तो आई होप कि आपकी आइडेंटिटी समझ में आई होगी, जो बेसिक आइडेंटिटी, नई आइडेंटिटी हमने पढ़ी वो यही पढ़ी, a + b